This is cinema, my darling. नूरजहाँ की आवाज़ और अदाकारी से यकीनन आप लुत्फ़ानंदोज़ हुए होंगे। ये नगमा मैंने आपको आज इस वीडियो के शुरू में क्यों सुनवाया, जिसकी वजह ये कि आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ पाकिस्तानी सिनेमा में पोएटिक रियलिज़म की जो मूवमेंट है उसके हवाले से। कहा ही जाता है कि पाकिस्तानी सिनेमा तो बेचारा वैसे ही क्या गुज़रा है। हमने दुनिया भर में सिनेमा की तहरीकों को देखा, सिनेमा की तारीख को देखा, लेकिन जब पाकिस्तानी सिनेमा की बात करते हैं तो दुख इस बात पे है कि आज तक पाकिस्तानी सिनेमा पे जिन लोगों ने लिखा, ठीक है, अच्छा लिखा, तारीख पे लिखा, फिल्मों के रिव्यूज़ लिखे, पाकिस्तान में बहुत फिल्मी रिसाले शाये होते थे, अखबार में भी आए, लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए कि हम सिर्फ अदाकारों की अदाकारी पर और फिल्मों में मौसीकी पे और इन चीज़ों पे हम बात करते रहे। हमने किसी को शहनशाह जज्बात बना दिया, मलका जज्बात, प्रिंस ऑफ रोमांस, ठीक है, फ़ैन फॉलोइंग्स हर जगह होती हैं, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग्स के साथ साथ हमने फ़िल्म के मौजू को या फ़िल्म की थ्योरी और फ़िलासफ़ी को तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान में इस पर ना तो कोई किताब लिखी गई, न रसाइल में इस तरह के रिव्यूज़ आए कि जिनमें थ्योरेटिकल हम फ़िल्म का जायज़ा लें। तो मेरी ये कोशिश इस तरह से है कि मैं आपको इस लेक्चर्स के ज़रिए, जो लेक्चर्स का सिलसिला है, आपको फ़िल्म की थ्योरी और फ़िलासफ़ी के ज़रिए हम पाकिस्तानी सिनेमा पर बात करें। जैसा कि हमने एक पिछले लेक्चर में बात की थी फ़िल्म थ्योरी के हवाले से, मेरे इस चैनल पे होगा, अगर आप इसकी प्लेलिस्ट में देखें तो आपको मिल जाएगा कि फ़िल्म थ्योरी में जो फ़िल्म मूवमेंट्स हैं दुनिया भर में वो क्या होती हैं। फ़िल्म मूवमेंट्स की जो ख़ास बात वो ये है कि हर मूवमेंट जो है, हर तहरीक जो है सिनेमा की जो चली, तो वो इस इलाके के मखसूस हालात और वहाँ के फ़िल्म तकनीक के लिहाज से थी। लिहाजा हम यूरोप की तकनीक को या यूरोप के मौजूआत को और स्टाइल को अगर पाकिस्तानी सिनेमा के साथ कंपेयर करेंगे तो वो मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं है। हमने अपने लिहाज से देखना है, क्योंकि पाकिस्तान का और भारत का जो सिनेमा का कल्चर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी दुनिया से, क्योंकि इसमें जिस तरह म्यूज़िक का अमल दखल है और जिस तरह गीत के ज़रिए से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, ये चीज़ यूरोप में नहीं है, ये चीज़ अमेरिका में नहीं है, साउथ अमेरिका में नहीं है। तो हमें उस लिहाज से अगर हम देखें तो अब हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तानी फ़िल्मों का। पाकिस्तान में बहुत अच्छे हदायतकार हुए, चंद हुए लेकिन हैं, और उन्होंने बाकायदा फ़िल्म थ्योरी के लिहाज से फिल्में बनाई। तो पाकिस्तान में अगर हम सिनेमा रियलिज़म की बात करें, फिर उसके बाद सिनेमा रियलिज़म ये थी दुनिया में तहरीक जो हकीकत को, जो माशरे के तल्ख हकायक हैं, जो हकीकतें हैं, उनको सामने लाएं। प्योर पोएटिक रियलिज़म में यूरोप में ये हुआ कि उन्होंने उन तल्ख
हकीकतों को मीठी गोली में देना शुरू कर दिया, यानी रोमांस का सहारा लेके, रोमांटिसिज्म की जो तहरीक जिस तरह अदब में चली, उस तहरीक को लेके जो मौजूआत थे इंसानी ताल्लुकात के, माशरे के, उनको रोमांटिसिज्म का लिबादा पहनाकर पेश किया गया। तो इस तरह से एक जो पोएटिक रियलिज्म है उसकी तहरीक चली अदब में भी और सिनेमा में भी। पाकिस्तान में हमने आज इसके लिए इंतखाब किया है हदायतकार हसन तारिक का, और हम देखेंगे कि हसन तारिक की जो फिल्में हैं उनके गीतों में, आज हम सिर्फ उनकी मौसीकी यानी गीत के हवाले से बात करेंगे, गीत के जो बोल हैं, जो शायरी है, ज़ाहिर है उसका क्रेडिट तो शायर को जाता है। आप कहेंगे कि आप शायर पे बात करें, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हदायतकार जब अपनी फ़िल्म के लिए गीत लिखवाता है तो वो उस पूरी थीम को लेके चलता है, उसके जहन में एक थ्योरी होती है, वो उसको लेके आगे बढ़ता है। हसन तारिक की फ़िल्मों के गीतों को अगर आप गौर से सुने तो आपको महसूस होगा कि उसमें पोएटिक रियलिज़म की जो मौजूआत हैं वो मौजूद हैं, जो अदब में शामिल हैं। मसलन खौफ, तन्हाई का खौफ, इंतज़ार, इंतज़ार की जो कैफियत है, मायूसी, ये सब चीज़ें हैं। और जो ब्रेकअप होता है इंसानी ताल्लुकात को टूटने का, जिसको आप साइकोलॉजी में पिस्टेंथ्रोफोबिया कहते हैं, और सोशल इवल्स, ये किस तरह इंसानी जहन को, सेंसिटिव जहन को मुतासर करते हैं, किस तरह हसास लोग इससे मुतासर होते हैं, ये मौजूआत हसन तारिक के यहाँ मौजूद हैं। जो सबसे पहला गाना आपने सुना इस वीडियो के शुरू में, ना ए सांवरिया, तो इंतज़ार की, मायूसी की एक रोमांटिक कैफियत थी जिसमें इंसान मायूसी में अपने आप को गुम करता है, और इस मायूसी में एक अगली कैफियत होती है उम्मीद की भी, कि जब इंसान उम्मीदें लगा बैठता है वो भी दरअसल एक कैफियत गोमो गो में होता है, उसमें मायूसी भी है, उसमें उम्मीद भी है। तवक्कुआत हैं जो इंसान के जज्बात पर असरअंदाज होती हैं। और जब इंसान दिल लगा बैठता है, उम्मीद बांध बैठता है, तो फिर उस उम्मीद के पूरा होने में, उस ख्वाब की ताबीर पाने में जो इंतज़ार है, वो कितना सब्र आजमा और मुश्किल मरहला है, ये उस दिल को पता है जिस पे गुज़रती है। ये सब अलामती अंदाज़ हैं इंसान की ज़िंदगी के, वो सिर्फ इश्क मोहब्बत में नहीं होता, ये कैफियात इंसानी रिश्तों में भी हैं, हर रिश्ते में है, और इंसान के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, मौजूआत हैं, इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ ये चीज़ें चलती हैं। हाँ, अदब में और इसी तरह पे सिनेमा में इसको अलामती अंदाज में पेश किया गया। हसन तारिक की हदायतकारी में ही एक और गीत जो है
उसमें भी कोई ऐसी ही कैफियत इंतज़ार की, आइए देखते और सुनते हैं। जी, इस गीत में एक और चीज़ ख़ास तौर पे मैं जो फिल्म स्टडीज़ के तालिबे इल्म हैं उनके लिए, इस फिल्म की लोकेल को गौर से देखिए, इस गीत की लोकेल को, और इसके बाद एक गाना मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसी फिल्म से, उसकी लोकेल भी देख लीजिए। ये नॉस्टैल्जिया, जिसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिक जो रिएक्शन है, हसन तारिक की फिल्मों में बहुत मिलता है। यानी अपने माजी को याद करने का, बार बार माजी में चले जाने का, कि हमारे पाकिस्तान जब बना तो उससे पहले भारत के साथ हम इकट्ठे थे, तो हमारी तहजीब ख़ासतौर पर जो दिल्ली और लखनऊ की थी वो कुछ मुख्तलिफ थी उन इलाकों से जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो हमारे बहुत से लिखारी, हमारे बहुत से हदायतकार वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ आए। तो जब वो यहाँ आए तो वो जो अदब में उस वक्त तहरीकें जो थीं, जो उस वक्त का अदब था वो लखनऊ का अदब, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, वो मौजूद था हमारे उर्दू अदब में। वो इसी को सिनेमा में लेके आए। सिनेमा में ख़ास तौर पे हसन तारिक की बहुत सी फिल्मों में आपको ऐसी लोकेल मिलेंगी, आप ज़रा ग़ौर से इनको देखिए। इनमें वो लखनऊ के जो महल्लात हैं, जो वहाँ की सकाफ़त है, वहाँ का लिबास है, वो आपको ख़ास तौर पे झलकता हुआ नज़र आएगा। यकीन के
नींद हसन तारिक की बतौर हदायतकार पहली फिल्म थी जो कि 1959 को रिलीज़ हुई, और इस पहली फिल्म से ही उन्होंने बता दिया था कि वो पोएट्रिक रियलिज्म को या इसकी तहरीक को इस थ्योरी के लेके कैसे चलते हैं, कैसे चल रहे हैं। ये गीत सुनिए, इसके बोलों बोल जो हैं वो जाहिर करते हैं कि किस तरह एक गरीब एक अमीर से तवक्कोआत वाबस्ता कर लेता है। अलामत है, यहाँ तो इश्क मोहब्बत है, लेकिन माशरे में ऐसा ही होता है कि जब आप मजबूर होते हैं, आप गरीब हैं और किसी बड़े से आप तवक्कोआत वाबस्ता रखते हैं, उसे दोस्ती करते हैं, तो फिर आप मजबूर होकर उसके दर पर भी चले जाते हैं, उसके आगे हाथ भी फैला लेते हैं, सर भी झुका लेते हैं। कि ये इंसानी फितरत का एक अलमिया है, ये इंसानी फितरत है, और इसका इजहार इसी पोएट्रिक रियलिज्म के ज़रिए अदब में किया जाता है, जो कि हमारे माशरे पे, पूरे माशरे की लिए एक अलामत बनती है कि हम इस माशरे में कैसे जी रहे हैं। पोएट्रिक रियलिज्म में हम बात कर रहे थे कि जिस तरह इंसानी जज्बों को मौजूद बनाया जाता है, उसमें उम्मीद है, आस है, उसमें मायूसी भी है, लेकिन जब एक आस आपकी पूरी हो जाती है, एक उम्मीद आपकी एकदम पूरी होती है, तो फिर इंसानी जज्बात का इजहार जो होता है वो किस तरह होता है। कि ये भी एक हमारी पोएट्रिक रियलिज्म का हिस्सा है ये मौजू, और हसन तारिक की फिल्मों में और उनके गीतों में आपको बारहा ये मौजू, ये जज्बा नज़र आएगा। अभी तक हम बात कर रहे थे पोएट्रिक रियलिज्म के हवाले से इंसानी कैफियत, जज्बात और ताल्लुकात की, लेकिन इसमें एक और अहम मौजू भी है, और वो है माशरे में नाइंसाफ़ी, माशरे में करप्शन, और किस तरह इस्तेहसाल किया जाता है माशरे में गरीब का और मजबूर का, मज़लूम का, और ख़ास तौर पे फेमिनिज़्म का जो एक इसमें रोल है, औरत का जो इस्तेहसाल है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में माशरों में किया गया, तो हसन तारिक की फ़िल्मों का अहम मौजू ये भी है, और ये मौजू उनके जो फ़िल्मों के गीत हैं उनमें भी आपको बारहा और जगह जगह नज़र आता है। लेकिन इस पर भी हम बात करते हैं माशरे की जो नाइंसाफ़ी है और किस तरह गरीब का इस्तेसाल होता है, इस गीत में आप उसको देखिए, और दूसरा इसमें तकनीकी लिहाज से आप देखिए हसन तारिक की हदायतकारी की खूबसूरती कि गीत के शुरू में जो चलते कदम दिखाए गए हैं, भागते हुए कदम, ये ज़िंदगी की दौड़ है, और इस दौड़ में कौन किस तरह जीतता है, कोई ईमानदारी से, कोई बेईमानी से, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये एक ही गीत में नहायत खूबसूरती से तकनीकी तौर पर एक अच्छे हदायतकार की अलामत है जो हमें हसन तारिक के इस गीत में नज़र आती है। तो इस गाने की तकनीक को देखिए और इसके बोल भी सुनिए।
पियो कह गए भगत कबीर, और मेरा उस्ताद कहे ये सब झूठी तकरीर। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। है दाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। ये गीत जो आपने अभी देखा, इसमें अगर आप गौर करें तो जब बोल आते हैं कि खाए कोई और ऐश कोई उड़ाए, तो इसमें मज़दूर मेहनत कोई करे यानी ऐशी कोई करे, तो इसमें मुख्तलिफ ममालिक के झंडे पीछे नज़र आते हैं। तो आलमी सतह पर देखें, यह आलमी मईशत की तरफ इशारा है कि किस तरह चंद ममालिक दुनिया के ज़राए और वसाइल को इस्तेमाल करके वो ख़ुद तो ऐशी कर रहे हैं, लेकिन बाकी ममालिक को उन्होंने इस्तेहसाल का शिकार किया है। तो ये भी पोइट्रिक रियलिज़म की एक खूबसूरती है जो आपको इस फिल्म में हदायत सन तारिक की हदायतकारी में नज़र आएगी। अब आगे चलते हैं अगला मौजू औरत के हवाले से। हमने पहले भी पिछली वीडियो में हम इस पर काफ़ी तफसील से बात कर चुके हैं, मुख्तसर बात करूँगा इस पर कि औरत का जो सदियों से किरदार है माशरे में, किस तरह उसका इस्तेहसाल किया गया है। ये चीज़ हसन तारिक की फ़िल्मों में और उनके गीतों में आपको नज़र आती है। हम आपको एक दो गीत दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे ये चीज़ और किस तरह औरत जो है उसका इस्तेहसाल किया जाता है। अब चलते हैं हसन तारिक की फ़िल्म बेगम जान की तरफ। मेरे ख़्याल में न सिर्फ पाकिस्तान की और हसन तारिक की, ये पोइट्रिक रियलिज़म के हवाले से सबसे बेहतरीन मिसाल है। इस फिल्म का एक गीत आप सुनिए और देखिए। इस गीत में तीन तबकात को बहुत खूबसूरती से, एक फ़िल्म की टेक्निक को इस्तेमाल किया गया। एक तरफ एक बेगम जान है जो मस्त है गीत में, वो झूम रही है नाच रही है, उसको ये नहीं पता कि उसका इस्तेहसाल हो रहा है। ये अलामत है हमारे गरीब आवाम की। एक तरफ वो तबका है जो इस आवाम का इस्तेहसाल करता है, वो अयाशी कर रहा है, वो अपने दौलत के और बल पर अयाशी में मुब्तला है। और तीसरा तबका वो हसास तबका है जो ये बेचारा सोचता है, मिडिल क्लास जो समझता है, पढ़ा लिखा तबका, पर उसके अख्तियार में कुछ नहीं, वो कुछ कर नहीं सकता। इस तबके की नुमाइंदगी इस फिल्म में
अदाकार कवि खान ने एक सहाफ़ी के किरदार की सूरत में की थी। इस गीत को इसी फिल्मी तकनीक के हवाले से और पोएटिक रियलिज्म के हवाले से ज़रा गौर से देखिए और सुनिए। तमाम थे वो राहज़न इसे जो हम सफ़र मिले, मिले हैं जितने लोग इसे नकाब ओढ़ कर मिले। रहा मगर ये बेखबर ये हादसा अजीब है। गरीब फिर गरीब है। की राह में भटक रहा है आज भी ये दर्द की सलीब पर लटक रहा है आज भी। अभी तक इसके वास्ते ये जिंदगी सलीब है। गरीब फिर गरीब है। माजी हाल मुस्तकबिल, हसन तारिक की एक और फिल्म जो कि अपने नाम के हवाले से एक वक्त की अलामत थी, और इस फिल्म की थीम भी यही थी। एक गीत जो है वो इस फिल्म में बार बार पेश किया गया। ये गीत हम आपको दिखाएंगे, सुनिएगा। इसमें भी किस खूबसूरती से अंधेरे उजाले का तसव्वुर पेश किया गया, वक्त के गुज़रने का, और वक्त जो है वो किस तरह हमारी ज़िंदगियों को मुतासर करता है। ये सारी कैफियत हमें इस फिल्म के इस गीत में सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। और ये गीत इस फिल्म में मुख्तलिफ मौके पे आया है और इसने बहुत खूबसूरती से कहानी को आगे बढ़ाया, और न्यू और जो पोएटिक रियलिज़म है उसके तहत अगर हम देखें और सोचें और सुने तो बहुत से गोशे ज़िंदगी के जो हैं वो खुलते चले जाते हैं।
हसन तारिक की जो पोएट्रिक रियलिज्म है, उस थ्योरी के तहत जो फिल्में बनी हैं, उनकी खूबसूरती या एक अच्छा पहलू ये भी है कि अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे तालिबे इल्म यकीनन जानते होंगे कि एक सनत तलमीह होती है, यानी हम तारीख़ी हवाले से कोई एक अलामत इस्तारा लेते हैं और उस पर बात करते हैं। सिर्फ उस अलामत का, उस तारीख़ी हवाले का ज़िक्र करके हम पूरा एक मौजू जो है वो एक जुमले में, एक लफ्ज़ में बयान कर देते हैं, और हसन तारिक की फ़िल्मों में ये बहुत है। अभी इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि मोहनजोदड़ो का जो इस अलामत है वो इस्तेमाल की गई, तलमी जो है वो इस्तेमाल की गई। इसी तरह उन्होंने फिल्म तहजीब में जो मिस्र का हुस्न का बाज़ार है, जो मिस्र का बाज़ार लगता था जहाँ ग़ुलाम बेचे जाते थे, उसको इस्तेमाल किया। तो इस अलामत ने भी एक पूरी एक जो हमारी तारीख़ है, जो हमारे माशरे की अक्कासी है, जो इंसानी तहजीब है, वो हमारे सामने पेश की है। ये चीज़ पाकिस्तान के किसी और हदायतकार के यहाँ मुझे बहुत कम नज़र आई है, बल्कि नहीं नज़र आई। हसन तारिक ने बारहा अपनी फिल्मों में इसको इस्तेमाल किया। लगा है हुस्न का बाजार, देखो नई तहजीब के शाहकार, देखो लगा है हुस्न का बाजार, देखो नई तहजीब के शाहकार, देखो लगा है हुस्न का मशरिक की बेटे से कहना, कभी शर्म हया थी तेरा कहना, तमाशा बन के दुनिया की नजर तो कैसे आ गई है, ना कि घर में जहाँ मेरा पला भा कैसा दियो जा पर लगा पाया कैसा, ओ खुदारा वक्त की रफ्तार देखो, नई तहजीब के शाहकार, देखो लगा है हुस्न का बाजार। पाकिस्तानी सिनेमा के जो तालिबे इल्म हैं तारीख़ के, उनके लिए बताता चलूं कि जो गीत था हुस्न का बाज़ार, इसमें असल में लफ्ज़ था मिस्र का बाज़ार, और पहले इसी बोल से ये गाने रिकॉर्ड हुए, मेहदी हसन की आवाज़ में भी और नूरजहां की आवाज़ में भी। लेकिन फॉरेन ऑफिस की वजह से या हमारे बैरूनी ताल्लुकात की वजह से कि शायद वो मुतासर ना हो, मिस्र का नाम ना आए, इसको काट दिया गया और इन दोबारा इन दोनों गानों को रिकॉर्ड किया गया, और इसमें मिस्र की जगह हुस्न का बाज़ार लगाया गया। मैं आपको असल गाना जो था उसके भी चंद बोल सुनवा देता हूँ, ये सुनिए। लगा है
मिस्र का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो, लगा है मिस्र का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो, लगा है मिस्र का बाजार। आज के इस लेक्चर में हमने बात की पाकिस्तान में पाकिस्तानी सिनेमा में पोएट्रिक रियलिज्म के हवाले से कि इस तहरीक के तहत इसके जो असरात हमें पाकिस्तानी सिनेमा पर नज़र आए वो और भी बहुत से हदायतकारों में फिल्मों में नज़र आया, लेकिन ज़्यादातर हमें इसकी झलक हसन तारिक की फिल्मों में नज़र आई। तो इसी हवाले से हसन तारिक की फिल्मों के जो गीत थे ख़ास तौर पर, उन गीतों में कहानी को आगे बढ़ाया गया और उसमें जो पोएटिक रियलिज्म था वो क्या था, हमने आज उस हवाले से बात की। मौजू बहुत बड़ा है, इसमें मटेरियल भी बहुत है, इस पर बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन चूंकि आजकल ना कोई इतना सुनता है ना देखता है, वक्त मुख्तसर है, तो मुख्तसरन मैंने आप तक ये बात पहुंचाई और इंशाल्लाह अपने इस सिलसिले को जारी रखेंगे और मौजूआत पर भी हम बात करते रहेंगे अगले लेक्चर्स में। मुंतज़र रहिएगा और हाँ, अपने कमेंट्स देते रहिएगा, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप जो भी राय रखते हों मैं उसको वेलकम करूँगा। तो आखिर में जाते जाते यही कहूँगा, दिस इज़ सिनेमा माय डार्लिंग। This is cinema, my darling.